हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है काश ऐसा हो जाए। ऐसा कुछ सोच रहा है कोई, तो क्यों सोच रहे हैं, क्या है उसके पीछे की वजह, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ओरेकल में से हम 7 कार्ड लेंगे और टैरो में से 10, 5 कार्ड। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और ये 7। एक, दो, तीन, चार, पांच, पहला ही कार्ड है द लवर्स का। एम्ब्रेस ट्रू लव एंड डीप इंटीमेट फ्रेंडशिप्स, मेक चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट, वाइब्रेंट हेल्थ और रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस। तो जैसे ये एंजल ब्लेसिंग दे रहे हैं, वैसे ही शायद आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के प्यार को एंजेलिक ब्लेसिंग मिले और आप हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के जिंदगी का आगे का सफर तय कर पाए। यानी कि कहीं ना कहीं डिवाइन प्रोटेक्शन भी चाहते हैं ये आपके प्यार को। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है काश ऐसा हो जाए, ये है उनके ख्यालात। वो चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा लव एंजल की तरफ से प्रोटेक्टेड रहे। जैसे यहाँ पे ये छोटा सा हार्ट है जो ग्रीन कलर का है, वैसे ही ना आप कभी इनके दिल को दुखाएं, ना कभी ये आपके दिल को दुखाएं। नेक्स्ट है द मैजिशियन। मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ। व्हाट यू नीड टू बी अ सक्सेस विल मैनिफेस्ट। इफ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। तो जैसे मैजिशियन का कार्ड होता है कि उसके पास वो ताकत होती है, वो पावर होती है कि वो जो चाहे वो जादू से हासिल करे। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों के ऊपर ये जो प्यार का मैजिक है वो ऑलरेडी एंजल की ब्लेसिंग की वजह से चल चुका है। आप दोनों इस मैजिक के अंडर हैं, जिसको कहते हैं हम प्यार। और ये प्यार में ये ताकत है कि आप जो चाहे वो लाइफ में सक्सेसफुल पाथ चूज कर सकते हैं। इफ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। तो सिर्फ जरूरत है भरोसा करने की। तो काश ऐसा हो जाए कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर इतना भरोसा करें कि ये प्यार का जो नशा आप दोनों के ऊपर चढ़ा है वो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाए। और जो भी मैजिकली बातें होती है, यानी कि जिन लोगों के लिए कुछ रियलिटी पॉसिबल नहीं होती, ये सिर्फ जादू में होता है, वैसे ही बहुत सारी बातें आप दोनों की जिंदगी में हो जाए। जैसे यहाँ पे रंग बिरंगे फ्लावर खिले हैं, वैसे ही ब्लॉसम एनर्जी वो चाहते हैं कि आपके प्यार में हो। नेक्स्ट है द सन। अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस, ब्रिलियंट एपिफनीज दैट लीड टू मैजिकल अपॉर्चुनिटीज, प्लान्स दैट वर्क्स आउट परफेक्टली, ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन। तो सन का कार्ड तो हमेशा टैरो में अच्छा ही कार्ड माना जाता है। जैसे यहाँ पे एक वक्त चल रहा है, छोटी सी घड़ी है, तो आपके पर्सन को लगता है कि आपको ऑलरेडी ब्लेसिंग मिल चुकी है डिवाइन की तरफ से। यानी कि आप दोनों भी एक दूसरे की जिंदगी में प्यार के रूप में एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन अगर किसी बात की कमी है तो शायद परफेक्ट टाइमिंग की। तो उन्हें लगता है ब्लेसिंग तो ऑलरेडी मिल चुकी है, और साथ ही साथ जहां तक बात है वक्त की, तो ये वक्त भी कट जाएगा क्योंकि आप दोनों परफेक्टली ये जो अपना अपना प्यार है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप भी अपने पर्सन की तरफ उतने ही डेडिकेटेड हैं जितना आपके पर्सन आपके लिए है। यानी कि उन्हें भी पता है कि ये वक्त आपके लिए भी इतना मुश्किल जा रहा है जितना उनके लिए, लेकिन आपको भी इंतजार है परफेक्ट टाइमिंग का, वैसे ही उन्हें भी इंतजार है परफेक्ट टाइमिंग का। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है, काश ऐसा वक्त हो जाए कि ये वक्त बहुत जल्दी कट जाए और आप एक दूसरे की हो जाए, जैसे पहले कार्ड में हमने देखा लवर्स के। नेक्स्ट है फोर ऑफ सॉर्ट्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। इनसाइट दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन, द नीड टू रेस्ट एंड टेक
vacation, allow yourself more time before making a decision, mental exhaustion, get more sleep. तो उन्हें भी पता है कि जैसे वक्त काटना उनके लिए भी मुश्किल होता है, वैसे ही आपके लिए भी ये मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से शायद आप भी मैनिफेस्ट करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी हमने मैजिशियन का कार्ड देखा, तो आपके पर्सन को भी एहसास है कि आप भी शायद डिवाइन से उनको मांगती रहती हैं या मांगते रहते हैं, और यही बातें वो भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आप दोनों काफी ज्यादा एक दूसरे से कनेक्शन फील करते हैं। और कई बार ऐसे जब ब्रेन में कोई बातें हम बार बार दोहराने लगते हैं कि हमें वो चीज चाहिए, हमें चाहिए, तो थोड़ा सा एग्जॉशन भी होता है, यानी कि ब्रेन स्टक हो जाता है। कई कबार लगता है कि जैसे हम अपने माइंड में फंस गए हैं, और इसीलिए एक अच्छी स्लीप की यानी कि एक अच्छी नींद की जरूरत होती है, जो शायद आप दोनों भी नहीं ले पा रहे, क्योंकि इस हद तक आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप भरोसा रखें, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के होने ही वाले हैं, क्योंकि शायद आप दोनों ने भी वो डिसीजन ले लिया है, लेकिन थोड़ा पीसफुल माइंड होना भी जरूरी है। एक दूसरे के बारे में सोचना बुरा नहीं है, लेकिन इस हद तक आप दोनों सोच रहे हैं कि शायद रात की नींद भी आप दोनों को ले पाना इम्पॉसिबल हो रहा है। नेक्स्ट है, तो शायद आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप उन्हें बता दें कि आपकी भी रातों की नींद गायब है, जैसे उनकी नींद गायब है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। लॉयल, डेडिकेटेड, प्रोटेक्टिव, एप्रिहेंसिव, प्लान केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन, बट देन गेट गोइंग, पे अटेंशन टू द डिटेल्स, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग, अ गार्डियन एंजल और समवन हु वॉचेस ओवर यू। तो जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा, उन्हें ये एहसास तो है कि एंजल की ब्लेसिंग्स आप दोनों को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं से वो आप दोनों को भी देख रहे हैं, और उन्हें भी पता है कि परफेक्ट टाइमिंग के बाद ही आप दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं, और आप दोनों भी एक दूसरे के लिए लॉयल है, यानी कि आप जैसे उनके बारे में सोचती हैं या सोचते हैं, दूसरा कोई पर्सन आपके मन में नहीं है, वैसा ही उनका भी हाल है। साथ ही साथ आप दोनों भी इस प्यार को लेके डेडिकेटेड भी है, और एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव एनर्जी भी आप रखते हैं, यानी कि अगर आप कुछ प्रेयर करें तो आप भी अपने पर्सन के लिए यही चाहते हैं कि उनको कोई जिंदगी में दुख ना मिले, वो सेफ रहे, इस तरह का उनका भी आपके लिए नजरिया रहता है और उनके भी प्रयास रहते हैं। तो उन्हें भी पता है कि एक्शन तो लेनी है आप दोनों को, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार है आपको, और शायद ये यही विश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये परफेक्ट टाइमिंग आ जाए। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन, तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो शायद आपके डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं, या फिर आपको अपना डिवाइन मस्कुलाइन समझते हैं। मैजिक, ऑलरेडी मैजिशियन का भी कार्ड आया है, तो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा मैजिक हो जाए, कोई जादू चल जाए, और ये जो चाहते हैं वो जिंदगी में पल भर के अंदर इन्हें मिल जाए, जिसमें शामिल है आप। बिलीव, तो यहाँ पे 22 आया है और यहाँ पे 11 आया है, तो उन्हें यकीन है कि परफेक्ट टाइमिंग के बाद आप दोनों एक दूसरे के हो ही जाएंगे, क्योंकि ये जो कनेक्शन है वो डिवाइनली ब्लेस्ड है। जैसे यहाँ की सूरज की रोशनी में सब क्लैरिटी मिल चुकी है आपको भी और आपके पर्सन को भी, वैसे ही आप दोनों भी महसूस करते होंगे कि आपका कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, तो उन्हें इस बात के ऊपर भी यकीन है। थ्रोट चक्र, हो सकता है आपका या उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रहा है, जिसकी वजह से शायद आप दोनों एक दूसरे को अपने जज्बात नहीं बता पा रहे, तो शायद ये चाहते हैं कि काश ऐसा हो जाए कि आप अपनी जुबान से उन्हें अपने प्यार के जज्बात बताएं, और वो जज्बात सुन के उन्हें यकीन हो जाए कि जिस तरह से उनके लिए एक एक पल मुश्किल हो रहा है, वैसी ही हालत आपकी है। चेंज, तो राइट नाउ अगर आप दोनों वेटिंग पीरियड में हैं, यानी कि परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके पर्सन चेंज की राह देख रहे हैं, यानी कि इस टाइम को बदलने के लिए वो इंतजार कर रहे हैं, और ये लगता है कि जल्द से जल्द ये चेंज आप दोनों की लाइफ में आ जाए, और काश ऐसा हो जाए कि ये चेंज बहुत जल्दी आ जाए। रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन का कार्ड यही बताता है कि उन्हें एहसास हो चुका है, हो रहा है कि
कि आप दोनों का कनेक्शन कितना स्ट्रांग है और ये चाहते हैं कि आपको भी ये रियलाइजेशन हो जाए कि वो आपके लिए कितने स्पेशल है। डिवाइन फेमिनिन, तो दोनों भी कार्ड आ चुके हैं, डिवाइन मस्कुलिन का भी आया है और डिवाइन फेमिनिन का भी आया है, यानी कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं और जिसकी वजह से परफेक्ट टाइमिंग का तो ऑब्वियसली ऑप्शन होता ही है। उसके अलावा वेटिंग पीरियड तो गुजारना पड़ता ही है, क्योंकि विदाउट वेटिंग ये प्यार हासिल कर पाना ये एंजल की मर्जी होती है। और परफेक्ट टाइमिंग, जैसे कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, वैसे ही ये इंतजार शायद आप दोनों के लिए भी बहुत मुश्किल जा रहा है और इसीलिए आप दोनों भी बेसब्री से उस परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कि काश ऐसा हो जाए, ये जो पल, ये जो दूरियां हैं वो बहुत जल्द, यानी कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए और आप दोनों एक दूसरे के हो जाए। जैसे यहाँ पे इस कार्ड में ये लवर्स एक दूसरे के साथ है, वैसे ही आपका साथ मिल जाए। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।